सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मॉन्स्टर्स का पार्ट 2 है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो अब तक हमने देखा कि चीफ और केहियन जिनजांग विलेज एंटर हो चुके थे और केहियन अपनी गाड़ी रोकता है। केहियन ब्लैक रेन वाटर को चेक करता है और चीफ को बताता है कि ये मॉन्स्टर्स रेन है। उसी समय बहुत सारे कौवे इन दोनों पर हमला कर देते हैं और जैसे जैसे अपनी जान बचाकर ये एक घर में घुसते हैं, पर कौवे फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। केहियन चीफ को बताता है कि विलेज में एक इविल स्पिरिट है। केहियन जल्दी से बहुत सारी चीनी को टेबल पर बिछाकर एक सिंबल ड्रॉ करता है और ये दोनों उस टेबल के नीचे छुप जाते हैं और फिर कोई भी क्रो इन पर हमला नहीं करता। चीफ केहियन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। केहियन उन्हें बताता है कि एक इवल स्पिरिट ने मॉन्स्टर्स ट्रेन करवाई है ताकि वो ह्यूमंस को चेतावनी दे सके, इसलिए मॉन्स्टर्स ट्रेन हार्मफुल नहीं है। केहियन मॉन्क इलजू को कॉल करता है जो उसे बताते हैं कि हॉन्टेड बुद्धा स्टैचू जिनजांग के काउंटी ऑफिस में है। मॉन्क इलजू उसे कहते हैं कि हम जिनजांग आ रहे हैं। केहियन उन्हें बताता है कि जिनजांग को ब्लॉक कर दिया गया है, पर मैं जिनजांग में ही हूँ। मॉन्क इलजू केहियन से कहते हैं कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी इंसान हॉन्टेड स्टैचू की आंखों में देखता है उसे उसका हेल्थ दिखने लगता है और ये वीक हर्ट वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। केहियन उनसे कहता है कि आप प्लीज ये पता कीजिए कि स्टैचू की सील पर क्या लिखा हुआ था, और ये पता करने के लिए वो मॉन्क को अपनी वाइफ सुजिन की बुक रिकमेंड करता है। मॉन्क संगवुन को इविल स्पिरिट के बारे में पता चल जाता है जिसने बुद्धा स्टैचू को हॉन्ट किया हुआ है। ये स्पिरिट एक क्वान नाम के आदमी की है जो हवालन टेंपल में एक मॉन्क था, पर वो सब ब्लैक मनी का काम करते थे। तो एज अ पनिशमेंट उनके सर उनकी बॉडी से काट दिए गए, पर कमान बिना सर के ही सारे टेंपल में घूमता रहा। तो ये स्पिरिट लोगों को एक दूसरे से नफरत करने को मजबूर करती है ताकि वो सब एक दूसरे को मार दे। स्पिरिट की पावर को काबू करने के लिए मॉन्क इलजू सारे मॉन्क्स को इकट्ठा होने को बोलते हैं। केहियन चीफ से गाड़ी की तरफ भागने को बोलता है, पर सारे क्रोस फिर से उन पर हमला कर देते हैं। केहियन ब्लैक रेन के पानी से वही सिंबल बनाता है जो उसने चीनी से बनाया था। जैसे तैसे ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं। आई थिंक इस सिंबल की वजह से क्रोस को वो चीज दिखनी बंद हो जाती है और फिर शायद उन्हें इस चीज में छुपे लोग भी नहीं दिखते। विलेज में सभी जगह फोग हो गई थी जिसकी वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। रास्ते में चीफ को अपना एक ऑफिसर दिखता है जिससे वो उसकी गन और हैंडकफ ले लेती है। काउंटी ऑफिस में सुजिन अपने आप को छुड़ा लेती है और गवर्नर पर हमला कर देती है, पर योंग उसे लात मारकर गिरा देता है। योंग सुजिन को मारने ही वाला था कि क्योंग उसे रोक लेता है, पर योंग क्योंग को बहुत ही मारता है। दूसरी तरफ रास्ते में चीफ को उनका ही एक और ऑफिसर मिलता है जो उन पर हमला कर देता है, पर ये दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं। किहियन चीफ को बताता है कि हॉन्टेड स्टैचू में जो स्पिरिट है वो लोगों के दिलों में जाकर उनकी सबसे पेनफुल मेमोरी को जगा देती है। स्पिरिट्स किसी भी चीज को पोजेस कर सकती है और स्पिरिट कोई भी हो सकती है, इविल स्पिरिट या फिर गार्डियन एंजल। और फिर किहियन डॉल की तरफ देखता है। काउंटी ऑफिस में गवर्नर सबसे कहते हैं कि जो लोग डेंजरस हैं उन्हें हम बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं, और अगर वो बाहर एक दूसरे से लड़कर मर गए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। क्योंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो योंग उसे फिर से मारता है और इसी बीच स्टैचू की बाउंड्री टूट जाती है। बाहर एक लेडी बिल्डिंग में आग लगा देती है। बाउंड्री टूटने की वजह से क्योंग और बाकी सब स्टैचू की आंखों में देखने लगते हैं। कार में किहियन को मॉन्क इलजू की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके हॉन्टेड स्टैचू की आंखों को सील करना होगा और तुम्हें सील पर लिखा वर्ड भी बोलना होगा जो है हर्ट, और हम सारे मॉन्क्स इविल स्पिरिट को कमजोर करने के लिए मंत्र बोलेंगे, तो तुम कॉल कट मत करना। किहियन गाड़ी से उतरकर अपनी सारी मैगजीन्स को पानी में फेंक कर गीला कर लेता है जिससे वो स्टैचू की आंखों को कवर कर सके। बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगता है तो सब लोग बस ड्राइवर के कहने पर बस की तरफ जाने को रेडी हो जाते हैं, पर जाते टाइम योंग क्योंग को अपना नाइफ दे देता है। क्योंग की आंखें भी ग्रे हो चुकी थी। बाकी सब लोग बस में बैठ जाते हैं, पर अचानक से बस ड्राइवर भी पोसेस हो जाता है और बस एक साइड पलट जाती है। बस में बैठे बाकी लोग भी पोसेस हो गए थे और योंग का खुद का फ्रेंड योंग को मार देता है और बाकी सब भी आपस में लड़ने लगते हैं और एट लास्ट गवर्नर और योंग मर जाते हैं। किहियन कार के साथ ही बिल्डिंग में एंटर हो जाता है। किहियन की आंखें तो बंद थी, पर चीफ स्टैचू की आंखों में देख लेती है। चीफ अपने बेटे क्योंग के पास जाती है, पर क्योंग उनसे दूर भाग जाता है। किहियन अपने मैगजीन से स्टैचू की आंखें कवर करने लगता है। दूसरी तरफ क्योंग चीफ पर हमला कर देता है। अब हम पास देखते हैं जिसमें क्योंग अपने फ्रेंड योंग के साथ बाइक पे था जो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, और अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है और वो सब गिर जाते हैं। पुलिस को आता हुआ देखकर सब वहां से भाग जाते हैं सिवाय क्योंग के, और चीफ को क्योंग मिल जाता है, पर चीफ को पता नहीं था कि उन लड़कों में से एक लड़का क्योंग भी है। प्रेजेंट में चीफ भी पोजेस हो जाती है और वो क्योंग के सर पर गन रख लेती है। किहियन ने स्टैचू की आईज को कवर कर दिया था, और आईज के कवर होते ही चीफ बेहोश हो जाती है और सब ठीक हो जाते हैं।
केहुन सुजिन के पास आकर उसे सॉरी मांगता है, पर फायर की वजह से बिल्डिंग से पानी निकलना चालू हो गया था, जिसकी वजह से मैगजीन पेपर्स स्टैचू की आंखों से हट गए थे और केहुन ने स्टैचू की आईज में देख लिया और सब वापस से पोजेस हो गए। चीफ ने क्योंग और अपने आप को हैंडकफ लगा लिया, पर क्योंग ने चीफ पर दोबारा हमला कर दिया। इसी बीच उसे अपनी मॉम के हाथ पर कट का निशान दिखता है। चीफ को ये कट योंग के नाइफ से लगा था और उस समय योंग को पता चला था कि क्योंग की मॉम एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो वहाँ से भाग गया। प्रेजेंट में सुजिन किहुन से कहती है कि तुम लेट क्यों हुए, अगर तुम उस दिन जल्दी आते तो आज हाजंग जिंदा होती। और अचानक से सुजिन एक बहुत बड़ा स्पाइडर बन जाती है और ये देखकर किहुन बेहोश हो जाता है, पर ये किहुन का एक सपना था। सुजिन किहुन को उठाने की कोशिश करती है, तभी उसे मॉन्ग गिलजू की आवाज सुनाई देती है जो सुजिन को स्टैचू की आईज कवर करने को बोलते हैं और स्टैचू के फोरहेड पर तालिस्मान बनाने को बोलते हैं। सुजिन स्टैचू की सीर को फाड़ कर अपनी आईज कवर कर लेती है। किहुन को भी होश आ रहा था और वो अपनी बेटी को याद करता है। सुजिन ने स्टैचू की आईज को कवर कर दिया था और फिर वो स्टैचू के फोरहेड पर तालिस्मान बना रही थी, पर किहुन सुजिन पर हमला कर देता है। जिसी बीच हम पास्ट में किहुन और सुजिन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर किहुन कहता है कि क्या मैं मर जाऊँ और या फिर हम दोनों मर जाते हैं। सुजिन उससे कहती है कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो मुझे हायंग याद आती है, और उसी समय किहुन ने एक स्पाइडर को वॉल पर देखा था। सुजिन को मारते टाइम किहुन को सभी अच्छे पल याद आ रहे थे जब वो तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे, तो वो सुजिन को छोड़कर अपने आप को मारने वाला था। किहुन को रोकते टाइम सुजिन डॉल से टकराती है और डॉल गाड़ी से नीचे गिर जाती है, और गिरते टाइम उन्हें हाजंग की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि हैप्पी बर्थडे डैड एंड आई लव यू मॉम एंड डैड। किहुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर सुजिन उसे धक्का देकर गाड़ी से बाहर निकाल देती है और खुद भी बाहर कूद जाती है। स्टैचू और गाड़ी दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है। क्योंग और चीफ को भी होश आ जाता है और क्योंग अपनी मॉम को हग कर लेता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की फिकर हो रही थी। किहुन सुजिन से कहता है कि मुझे हाजंग की आवाज सुनाई दी थी। सुजिन कहती है कि मुझे भी, अभी भी हाजंग की डॉल उस स्टैचू पर ही थी। किहुन और सुजिन बहुत रोते हैं। अचानक से डॉल गायब हो जाती है और स्टैचू टूट कर बिखर जाता है। टेम्पल में मॉन्ग संगवुन मॉन्ग किलजू से कहते हैं कि हमने स्टैचू के पीसेस को लैब में भेज दिया है, पर हमें अभी तक हाजंग की डॉल नहीं मिली। आपको क्या लगता है? मॉन्ग किलजू कहते हैं कि सिर्फ इविल स्पिरिट्स ही चीजों में एंटर नहीं करती, गुड स्पिरिट्स भी चीजों में पाई जाती हैं। मॉन्ग संगवुन मॉन्ग किलजू को बताते हैं कि किहुन और सुजिन अब तिब्बत में हैं और वो एक साथ रिसर्च कर रहे हैं, और दोनों ने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जिसमें वो उन सारी प्लेसेस पर जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर्स इंसिडेंट्स हुए हैं। मॉन्ग किलजू वीडियो को लाइक करके वहां से चले जाते हैं, पर मॉन्ग संगवुन उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोलते हैं क्योंकि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना दोनों ही बहुत जरूरी है। तो अब आप सब मॉन्ग संगवुन के कहने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि दोनों ही काम बहुत जरूरी है। जाते टाइम मॉन्ग संगवुन मॉन्ग किलजू से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की भी बात करते हैं, जैसे वो मॉन्ग्स जो भूतों को पकड़ते हैं। पर मॉन्ग किलजू उसे कहते हैं कि हमें यूट्यूब चलाने से ज्यादा शांति पाने में ध्यान देना चाहिए, पर मॉन्ग संगवुन कहते हैं कि हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। नाउ वन ईयर लेटर किहुन और सुजिन एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है, और ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।